अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, खुश होंगे। सो फाइनली बैक आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर भाई बात करते चले तो हमारे साथ रहने वाले हैं 100 लेवल ओवी वीके, जो कि देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और कहीं ना कहीं काफी इंटेंस मूवमेंट रही हमारी, काफी खतरनाक वाली फाइट उनके साथ चली हमारी, मिड से लेकर एंड तक हम लोग फाइट करते रहे। डू और डाई की सिचुएशन, कभी वो कभी हम लोग मरे थे। और लेकिन भैया किसने निकाला, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और उनके साथ उनका टीममेट जो कि हसन डियर, मेरे से एक पोजीशन नीचे देखने को मिल रहा था, वो भी उन्हीं के स्क्वाड का हिस्सा था। तो उनका स्क्वाड भी काफी ज्यादा खतरनाक वाला था स्क्वाड, और लिटरली बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक शेयर ठोको, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दो, और 20K सब्सक्राइबर्स डन कराओ यार। इस वीडियो पे गाइस हम लोग बताते चलेंगे, यहां पर 800 लाइक का टारगेट जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में दिया था, एम दिया था, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। और इस वीडियो पे हम लोग 900 लाइक कंप्लीट करेंगे। तो सारे भाई लोग मिलकर लाइक शेयर ठोको, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि 17K सब्सक्राइबर्स में ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स ही रह गया, तो ये भी डन कराओ जल्दी जल्दी से। तो फाइनली हम लोग गेम प्ले के अंदर आप लोगों से मिलते हैं। तो बात करते चले तो भाई हम लोग आज क्लॉक टावर उतरे हैं, क्योंकि लॉबी जो कि कुछ डिफरेंट देखने को मिल रही थी। जहाज एक आप लोगों को पता है आजकल डुगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार कभी इधर, तो लोकेशन का नहीं पता होता कि यार किस साइड पे जा रहा है किस साइड पे नहीं। तो क्लॉक टावर वाली साइड पे जाता था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार क्लॉक टावर पर उतरते हैं। और उतरते ही भाई को P90 मिल गई थी, P90 के साथ मैंने कहा यार ट्रोगन भी यहाँ पर उठा ली जाए, फ्री है, फ्री तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर फॉरन अब यहाँ पर एनिमीज को हम लोग आगे पीछे बड़ा ढूंढते हैं यार, ढूंढते रहते हैं आगे पीछे, अब कोई मिल जाए बस दुआ करो, लेकिन यहाँ पर कोई मिलता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से निकले हैं क्लॉक टावर से, तो यहाँ पर फाइनली बंदा नजर आया जो कि एयर ड्रॉप चार्ज कर रहा था। अब यहाँ पर भागा है, ऊपर एक और बंदा भी है जो कि ब्लैक ड्रेस में, ये वो फाइट करेंगे। मैं खेल उठाता हूँ, लेकिन नहीं मुझे लग रहा वो एक ही, हाँ एक ही स्क्वाड का मेंबर है। ओके, मतलब तीनों ही एक ही स्क्वाड के मेंबर हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या सीन रहने वाला है। और यहाँ पर एक एक ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं लगते इसको शॉट। यहाँ पर राजा जी जो कि यहाँ पर इस पर रश करने का सोचते हैं, और मैं लॉन्चर के साथ इस पर यहाँ पर हिट करने का सोचता हूँ, लेकिन वो बंदा जो कि उस साइड से रश कर, अरे अरे इस साइड से आ गया, ओ असन टी आर, ओ भाई साहब। ओके लेट्स सी, यहाँ पर इंजेक्शन लग जाने दे। अरे हो गया, अंडा बन गया हूँ फौरन से, लेकिन राजा को नॉक कर दिया। ओ ये अंदर कैसे आ गया यार, ये अंदर कैसे आ गया यार। चलो रिवाइव कोई ना भाई, दोबारा से हो चुका है, और जाते हैं पकड़ते हैं उनको। लेकिन यार ये देखो ना यार, गरीना के सस्ते नशे अब स्टार्ट हो रहे हैं यार, लिटरली यार। वॉल तो मैंने पहले लगा दिया था, वो वॉल के बाद में कैसे अंदर आया यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार क्या हो सकता है, ग्लिच था या नेटवर्क का इशू की वजह से हो सकता है। लेकिन कोई ना, वो लूट कर रहे हैं, उतरते हैं यहाँ पर, और एयर ड्रॉप के अंदर से ही कोई गन वगैरह अगर निकल आई, जब तक वो ना आए तब की बात है। तो लेट्स सी, यहाँ पर राजा जी भी मेरे साथ ही हैं, और अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा ये बंदा आता है हसन, जो कि मैं इसको यहाँ पर शॉट कराता हूँ, बॉडी कुछ कराता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर रेड नंबर करा के नॉक कर देता हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर फिनिश करने का सोचता हूँ इसको मैं यहाँ पर। और देखते ही देखते मुझे यहाँ पर फिनिश कर दिया जाता है फौरन से, और मैं फिर दोबारा से रिवाइव होकर उतरता हूँ, जो कि इस साइड पर आया हूँ मैं अब फाइनली यहाँ पर पीक पर। और मैं डिसाइड करता हूँ कि यार लूट शूट कर ली जाए, और लूट के साथ ही साथ यार थोड़ा सा लूट अच्छी हो जाए ना, फिर फाइटिंग के साथ करने में ना थोड़ा सा मजा भी आएगा, समझ रहे हो। अभी यहाँ पर वो भी लोगों के किल काफ़ी तेजी के साथ आ रहे हैं, भाई का अभी तक किल कोई नहीं है, एक ही किल देखने को मिल रहा है जो कि अब है, लेकिन वो लोग काफ़ी तेजी के साथ किल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मुझे इस तरह लग रहा था कि यार पीक पर बंदे कोई ना कोई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा सा होल्ड करना चाह रहे थे। पहले हम लोगों का इरादा था यार मिशन वगैरह कर लीजिए यहीं पर ही, लेकिन हम लोग मिशन का नहीं सोचते। हम लोगों ने कहा कि यार मिशन तो किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ना यहाँ पर बंदे अगर निकल आए ना एकदम से, तो काम ख़राब हो जाएगा मिशन करते हुए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है यार बार बार रिवाइव। और ये लॉन्चर किसी ने किया, मतलब यहाँ पर बंदे पहुँचे हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे बैठता हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाँ फुटस्टेप ना जाए, एक सेकेंड, वो गुजर गया, आप पीछे चला गया, वो आई थिंक राजा के पीछे चला गया। राजा जी भी डर के मारे सीधा उधर की तरफ ही भाग गए हैं, और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम लोग राजा को डैमेज किया, राजा मुझे लगता है होने वाला नॉक, राजा जी पे लॉन्चर भाई साहब गया। और रे राजा को पकड़ लिया किसने, ओके यहाँ पर यार राजा को फिनिश भी कर दिया है। ओके यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है, और इसको पकड़ते हैं यहाँ पर, एक मिनट होल्ड करते हैं। अरे यार शिट यार, ये गलत सीन हो गया यार, छेड़ तो दिया मैंने, बस उंगली कर दी। अब देखो यार वैसे गुस्सा बहुत आ रहा है लिटरली यार, क्योंकि दो दफा मरा हूँ उनके आता हूँ काफी गंदे तरीके से, लेकिन इसको यहाँ पर रेड नंबर कराता हूँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर अब बुढ़ पीकर से बच के दिखाओ। और ये लो दूसरा कैलेक्सी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रैगो यार फीलिंग आ रही है प्रो वाली, समझ रहे हो।
और अब यहाँ पर थर्ड मेंबर जो कि इनका आया है, सर्कल क्रिएट करता हूँ, मेडी शेडी कर लीजिए यार, ताकि क्योंकि एचपी कम है यार, तो ये ना वो काम खराब हो जाए। अरे यार शिट यार, देखा था यार, एक सेकंड काम खराब हो गया। चलो राजा जी को यहाँ पर फाइनली यहाँ पर उतार देते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट मेंबर ही बचे थे। राजा की यहाँ पर हमारे टीममेट को फिनिश किया था, तो राजा को हम लोगों ने कहा कि उस बंदे को फिनिश किया ताकि उसकी हम लोग लूट उठा लें, क्योंकि यहाँ पर दो तीन फाइट हुई थी, तो हम लोगों ने ये सोचा और राजा को फाइट में दे दिया, हम डाल दिया। और राजा जी यहाँ पर इसके साथ फाइट कर रहे हैं, जब तक इसका बंदा उतरा राजा के पास। ओके यहाँ पर एक सेकेंड, अरे राजा जी ओ भी था, राजा जी को ले गया और राजा जी भी ओ भी को ले गया। ओके हम बचा लेते हैं राजा जी को जाके, लेट्स सी यहाँ पर, दुआ करो उसका कोई टीममेट आए। ओए नहीं, कोई और थर्ड पार्टी कर गया। ओके दोनों ही किल उठा गया है, राजा की भी और ओबी को भी। ओके यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर उसको फिनिश कर दिया, उसको भी फिनिश कर दिया, मतलब कोई और बंदा भी आया और इसको हम लोग फिनिश करते हैं और टोटली लूट अपनी करते हैं। चलो ये भी ठीक है, चलो डन कराते हैं इसको यहाँ पर, ये लूट भी फाइनली अपनी हो गई है। और यहाँ पर एक के भी यहाँ पर पड़ी है, चलो उठा लेते हैं एक के भी, और ट्रोगन भी आ चुकी है, तो अब यहाँ पर लूट शूट कर दिया है भाई। लूट तो अभी यहाँ पर काफी जबरदस्त हो गया, तो बाइक लेकर हम यहाँ पर जोन से निकलने का सोचते हैं। और राजे को यहाँ पर फिनिश कर दिया गया था, तो राजे को हम लोगों ने रिवाइव भी करना है। तो यहाँ पर इतना मैं देखता हूँ ओबी का स्क्वाड मेंबर यहाँ पर जो कि व्हीकल लेके निकल रहा है, राजा फौरन से उतरा है और मैं भी यहाँ पर उतरता हूँ, इसको यहाँ पर एक्सटिमेट कराता हूँ, इसको नॉक कर दिया और उसको भी डैमेज काफी तगड़ा कराता हूँ, लेकिन वो उतर के वॉल लगा लेता है। और वॉल के साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने कहा उसको पकड़ेंगे, इसको जो के इमोट करते हैं। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार ओबी को इमोट नहीं किया और इसको इमोट कर दिया भाई। असल में ना यार ओबी का ये वाला सीना किया यार, उनके साथ हमारा शुगल वाला चलता रहता है ना ओबी के साथ, जब तक वो नहीं करते हम लोग भी नहीं करते, या फिर हम लोग नहीं करते तो वो भी नहीं करते, समझ रहे हो। बस ये कुछ बंदों में गारी होती तो हम लोग उनके साथ करते रहते हैं ये वाला सीन। तो अब यहाँ पर तो इसलिए मैं यहाँ पर अब असन टी आर ही है ये वाला, तो इसके बाद एमपी 5 ट्रिपल है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। मैंने वॉल लगाकर उसको कंफ्यूज कर दिया, डबल माइंड किया, जिसकी वजह से मुझे एडवांटेज रहा और मैंने इसको M10 के शॉट करा के इसको यहाँ पर नॉक कर दिया। लेकिन यार मेरा टीममेट जो कि नहीं बचा उसको फिनिश कर दिया गया। अब यहाँ पर अब जोन की तरफ मैं देख रहा था, जोन भी निकल रही थी और एच भी देखो मेरी 20 रह गई थी, तो मैंने मेडिक शेडी लगाने का सोचा जल्दी जल्दी से, और मैं यहाँ पर अब जोन भी रीच करने जल्दी जल्दी से और टीममेट्स को रिवाइव भी करा, रिवाइव ऑफ जो कि शायद वो कर दे, अगर उसने ना किया तो फिर मैं कर दूंगा रिवाइव। तो मैं व्हीकल लेकर निकलने का सोचता हूँ, तो मैं यहाँ पर सामने देखता हूँ ये कौन है यार, ये किधर से आ गया, स्वीटो को भेज दिया, वो भी ड्रैगो को मारने। अरे भाई साहब, ओके चलो कोई ना यार स्वीटू, तो चलो कोई ना यार स्वीटू। अरे नहीं यार भाई मजाक कर रहा हो यार, तो चलो बाइक लेके निकलते हैं जल्दी जल्दी से, क्लॉक पहुंचते हैं, क्लॉक पे जाकर होप सो कि मुझे मेरे टीममेट्स तो रिवाइव कर दिए गए, इसकी भी लूट उठा ले यार जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके पास आई थिंक इंजेक्शन वगैरह था। तो यहाँ पर M10 डबल और ड्रैगनो आ गई है मेरे पास, अब यहाँ पर जोन का डैमेज बढ़ गया है। और यार व्हीकल किधर किधर लग रही है यार, अब ये ना कह देना कि ड्रैगो भी लाइसेंस किसने दे दिया तुम लोगों को, है कोई ना हो जाता है कभी कभार यार। और अब यहाँ पर क्लॉक पहुँचे हैं, क्लॉक फाइट आप लोग देखो यार, जोन देखो और बंदे चेक करो यार, 18 प्लेयर्स रह गए हैं, तो यहाँ पर फाइट काफ़ी ज़्यादा चल रही है बंदों की। तो मैं यहाँ पर बाइक यहाँ पर टर्न करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक नज़र आता है और यार शिट यार ये कैसे बच गया, किस्मत होता है ऐसी। देखो बाइक बीच में से उसके गुजरा जिसमें, लेकिन पता नहीं यार कैसे बच गया। ओके वो बंदा उतरा है एक, वो मैंने देखा है, तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके रिवाइव भी करते हैं अपने टीममेट को, और टीममेट के साथ साथ यहाँ पर किल भी थोड़े कर लेते हैं यार, एक आधा और किल निकाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 10 से ज़्यादा किल भी नहीं कर सकते यार हम लोग, मतलब 10 भी नहीं कर सकते, 10 से कम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि पता है ना तुम लोगों को टावर पे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यार ये चीज़ देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन कोई ना, किल यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, ये बंदा यहाँ पर मेरी तरफ प्रेश करने का सोचता है, इसको मैंने M10 के शॉट कराए हैं और इसी के साथ एक और कराता हूँ। कोई अंकल मजबूर ये भी आया था लॉबी में, अरे ये कैसे नहीं पता चला यार। ओके यहाँ पर इसको रिवाइव करते हैं और फाइनली भाई का एक मिशन हो गया, इसको यहाँ पर ट्रीट भी कर देते हैं। और यहाँ पर दो मेंबर जो को मेरे सामने घूम रहे हैं यार, ओके इसको यहाँ पर नॉक कर देता है और इसके वुकोंग को भी यार उड़ा दिया। चलो कोई ना, वुकोंग भी गया इसका, और यहाँ पर इनको फिनिश भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। 8 किल यहीं पर ही मेरे कंप्लीट, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 बंदे रह गए हैं, तो अब यहाँ पर मिशन वगैरह भी हमारे एक एक हो गया है, एक एक रह गया है, तो यहाँ पर मेरे ही एक रह गया, बाकियों के तो पूरे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर इर्द गिर्द देखता हूँ कि यार कोई बंदा तो नहीं है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हुए, क्योंकि शॉप वाला एरिया हम लोगों ने कवर अप कर लिया, तो इसका मतलब है कि रिवाइव वाला सीन अभी नहीं होना, लास्ट जोन है, लास्ट जोन में शॉप जिस साइड पर जो स्क्वाड कवर अप कर दिया तो ईजिली फिर किसी का स्क्वाड आ नहीं सकता बचने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग निकलने का सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार चलो शॉप को हो गया, अब निकलते हैं जोन की तरफ ही और आगे जाके बंदों का फिनिश करते हैं। तो इतने में ही यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदे को फिनिश कर देता है, और इसी के साथ यहाँ पर 8 बंदे रह गए, और ऊपर से मुझे पड़ती है यानी कि लड़के को शॉट, तो मैं देखता हूँ तो वो बंदा टावर पर बैठा हुआ है, वो इलिमिनेट ही होना आई थिंक, क्योंकि जोन का इतना डैमेज किधर बर्दाश्त होता है यार।
तो वो फाइनली वो इलिमिनेट हो गया और यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि यार अब मिशन कर लीजिए क्योंकि तीन बंदे रह गए हैं, तो अब मिशन ना किए तो ये ना हो यार, कोई पता नहीं होता। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट जोन में तो इलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा होती है यार, तो इलिमिनेट ही ना हो जाए यार। तो यहाँ पर फ़ौरन से मेरा मिशन करवाता है और मिशन के साथ साथ क्योंकि अभी राजा का भी मिशन नहीं हुआ तो राजा वगैरह का भी मिशन कर लेते हैं। अच्छा वो राजा जी यहाँ से निकल चुके हैं मिशन करके और यहाँ पर मैं देखता हूँ एक फीमेल को और इसी के साथ यहाँ पर इसको शॉट करने का सोचता हूँ। वो क्यों नॉक हो गया यार अभी नेड करके, यार ये नहीं मुझे मिलेगी मेरे मिशन। अच्छा उसको लगा दूसरा मिशन करना है अभी, ओके चलो कोई ना, अपने तो मेरे हो गए हैं, अब इसके भी करवा दिए जाएँ तो ओके। यहाँ पर चलो वो भी मुझे कह रहा है उसके मिशन करवा देते हैं, चलो लेट्स सी। यहाँ पर जॉनी भी आया हुआ है, वाह क्या बात है जी। ओके यहाँ पर मिशन वगैरह हो चुके थे यार, लेकिन यहाँ पर बॉल तोड़ कर अंदर आ गए, लेकिन कोई ना इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया जाएगा। अब एक ही बंदा रह गया इसके अलावा, तो राजा जी बाहर फाइट कर रहा है, तो अब चुके हमारा भैया कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस वीडियो लाजमी वॉच कर लेना, बहुत हैवी वीडियो थी यार, टॉप वन हो गया भाई का।